Okay. Okay. One, two, three, start. Hello, foodie. Foodie. विश्वसनीय चीज करने जा रहे हैं ना, एक्चुअली हम ट्राई करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के स्नैक्स जो डिस्टेंस में तो बहुत ज्यादा दूर है पर दिल के बहुत ज्यादा पास है, पंजाब के दिल के बहुत ज्यादा पास है। हम करने लगे हैं आज स्नैक्स ट्राई फ्रॉम कनाडा। क्या हम इसका कंपैरिजन करेंगे इंडियन स्नैक्स के साथ? मेन बात ये है, अगर आपको कनाडा बहुत ज्यादा पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ये पता लग जाए कनाडा में किस प्रकार की चीजें खाई जाती है। और जरा वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कनेडा में जब भी आप खाना खाने जाते हो बाहर, देनी पड़ जाती है वहाँ पे टिप्स। क्या बात है, कनेडा में शुरुआत करेंगे हम खा के वहाँ के फेमस टिप्स। क्या बात है भाई साहब, कनेडा के हम लाए, क्या नाम है भाई का? रफल्स नाम है। मेरे ख्याल से ना इंडिया में अगर कोई चिप्स बनाएगा उसका नाम रफल्स तो नहीं रखेगा, शफल रख देगा पर रफल नहीं रखेगा। तेरे को कैसे पता? तो ये देखते हैं कैसे होने वाले हैं। कलर इसका ब्लू वाले लेस जैसा, कैसा कलर है ये? कोई ना ये नाम पढ़ के बताओ कि इन्होंने कौन से फ्लेवर के चिप्स दिए। आगे का वक्त, ये ना सच्ची में बिल्कुल लेजी लग रहे हैं। थोड़ा मेकअप इनका कम हुआ है, मसाले थोड़े कम डले हुए हैं। कंपैरिजन के लिए हम लाए हैं अपने प्यारे अंकल वाले चिप्स। अंकल चिप्स हम इसलिए लाए हैं क्योंकि इसका फ्लेवर हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कौन सा है। पढ़े ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी भाषा, इंग्लिश तो नहीं है ये। जी हमने किया डिस्क्रिमिनेशन, हमने कलर से जज किया दोनों को, इसका पैकेट नीला, इसका पैकेट नीला। ले आओ अंकल चिप। ये फ्लेवर पहले बताओ कौन सा है यार, मेरे को ना खुशबू से ऐसा लगा जैसे इसमें टमाटर डाले हुए। हां यार, खुशबू टमाटर वाली आ रही है। फोटो में तो टमाटर है नहीं, फोटो में शिमला मिर्च है, प्याज है, नमक है। अब खा के देखते हैं। चीयर्स। ये खाते हैं। ये बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, नाइस। जज नहीं कर पा रही कि फ्लेवर कौन सा है। बारबेक्यू भी लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। ये तो क्रंच फैक्टर भी है और फ्लेवर भी अच्छा है। टोमेटो का फ्लेवर भी है, बहुत लाइट सा फ्लेवर है। टोमेटो का फ्लेवर नहीं है, नहीं है टोमेटो का, हल्का सा नहीं है, हल्का सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगली बारी आ गई हमारे फेवरेट अंकल चिप्स की, जो कि हमारी मम्मियां व्रत में भी खाया करती हैं कभी कभी। तो इसकी ना मुझे टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट टेक्सचर है। अगर मुझे इन दोनों में से कुछ खाने को बोला जाए देन आई प्रेफर दिस। ये खा तो ले, खा लिया, मेरी स्पीड बहुत है, खाओ खाओ। स्वाद तो ये भी बहुत है, स्वाद है यार, दुविधा में डल चुके हुए हैं ये भी। मतलब अच्छा चिप्स, क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आप इंडियन खाओ, ये वाला कनाडा वाला खा लो, आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत डिफरेंट नहीं है पर अच्छा है। पर कनाडा ने वीडियो की शुरुआत में कर दिया हमें खुश, खिला के ये बहुत ही ज्यादा यम्मी से चिप्स। बचपन में जब आदित्य करता था मुझे तब मैं मारती थी इसके मुंह पे छोटी सी भूकी। और अभी हम ट्राई करने लगे हैं कैनेडियन कुकी। देखो जिसके झंडे के ऊपर ही मेपल पत्ता बना हुआ है यार, ये पूछा पता तो, बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये मेपल पत्ता होता है वो पत्ता इनके झंडे पे है। अरे बेचारी, चलो पता लग गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें से मेपल सिरप निकलता है और ये मुझे लग रहा है बिस्किट में इन्होंने मेपल सिरप की क्रीम डाली हुई है। भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी मेपल सिरप तक नहीं टेस्ट किया है, आज पता लगेगा कैसा टेस्ट होता है। हम पता है कौन से लोग हैं, हम मेपल सिरप की जगह पैनकेक्स पे हनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल, पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं यार। सच्ची में बताऊं बॉक्स बहुत सही लग रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। इसका कंपैरिजन हम करेंगे अपने देसी इंडियन मिल्क बिकीज के साथ। शायद ही कोई देसी होएगा, इंडियन होएगा जिसने ये वाले बिस्किट नहीं खाया। बचपन के वन ऑफ द फेवरेट बिस्किट ये वाले हैं। आपको भी अगर अच्छे लगते हैं वीडियो को जरा लाइक कर देना। इसके मैंने पैकेट के पैकेट खत्म करे हैं और सच्ची में एक बार इसकी आदत लग जाए ना फिर ये छोड़नी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, पैकेट के पैकेट खत्म करो, ऐसे बोला डब्बे के डब्बे खत्म करे हैं बड़े वाले। भावनाओं पे ना कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको खोलने की, क्योंकि मैंने गोल बिस्किट ऐसे खोला है, स्क्वायर बिस्किट ऐसे खोला, बट ये टिटा मिटा सा बिस्किट मैं पहली बार खोलने वाली हूं। ये मेपल लीफ की शेप का है। ये हॉन्टेड बिस्किट नहीं लगते? हॉन्टेड लग रहा, देखो तो सही। ये हॉन्टेड ही लगते हैं क्योंकि फोटो जो कवर पे होती है वो बहुत सुंदर होती है, क्यूट, बट अच्छे से जब क्रीम इसके दांत से और आंखों से बाहर नहीं आ पाती ऐसा लगता है भूतिया बिस्किट है। सबसे पहले अपना कनाडा का बिस्किट ट्राई करेंगे यार, वाओ आई एम सो एक्साइटेड। क्यूट, ये सच्ची में अच्छा है बिस्किट दिखने में। मीठा कम है, सॉफ्ट है, किसी चीज जैसा है ये, जो हमने कभी बाहर जाके पैनकेक खाया ना उसके सिरप जैसा है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ
किसी चीज से टेस्ट रिसेंबल कर यार, ये जो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये सच्ची बहुत स्वाद है, रियली वेरी नाइस। मेपल सिरप जैसा ही है, मेपल सिरप खाया हुआ हमने। मैं तेरा ढोकला बना उतारता हूँ अब। भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी मेपल सिरप तक नहीं टेस्ट किया, ये सब दोगलापन है। और इसके ऊपर इन्होंने डेयर क्यों लिखा है मुझे नहीं समझ आया। वो कंपनी का नाम डेयर है। अच्छा, ये भी एक बार टेस्ट कर लो। ऐसे मस्ट ट्राई, बट अब मैं एक बार खा के देखती हूं कि मैं ये खाना पसंद करूंगी या ये। वैसे मैं यही खा पाऊंगी क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूं। सही बात है। ये वाले मैंने कभी देखे नहीं, किसी सुपर स्टोर पे भी नहीं देखे यार। वो खाने के बाद यार अच्छे लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पर वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। एक्चुअली ये पता है कि क्रंची है, वो थोड़े सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है घर पे बनाया हुआ है वो। देखो मेरे को आप पूछोगे भी ना कि कौन सा खाना है, मैं मिल्क बिस्किट खाऊंगा। नहीं, मेपल सिरप वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। मिल्क बिस्किट तो चलो ऑल टाइम फेवरेट है ही है, बट आई लाइक दिस आल्सो, दिस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। कनाडा वालों तुम तो बड़ी बड़ी स्वाद चीजें खा रहे हो है। अपने पंजाबी तो है वहाँ पे। सही बात है। पर इदा हुलिया जेड़ा है ना अपने इंडिया दे बिंगो मैड एंगल दा मिलदा जुलदा लग रहा है। इदा कंपैरिजन करदे आ एंड प्रॉपर कनाडा तो आया, तुसीं देख सकदे हो अपने झंडा भी बनया पिया है। हमने ये देख रहा कनाडा का कितना का स्पाइसी होएगा। देखो अमेरिका का तो स्पाइसी है नहीं, अब कनाडा अमेरिका हमारे लिए तो सेम ही थे अभी तक। हाँ। बट अब लग रहा है थोड़ा फर्क है। फाइनली खुल गया हमारा ये नाचो कम बिस्किट का पैकेट। खुशबू कैसी आ रही है इसमें? बिस्किट जैसी मुझे लग रहा है बिस्किट ही है ये। मेरे से ना सबर नहीं हो रहा, मुझे खाने का मन कर रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है बिंगो वालों ने भी ना यहीं से कहीं से आइडिया लिया, क्योंकि बिंगो का टेक्सचर भी बिस्किट जैसा ही होता है थिकनेस में देखा जाए, और बहुत सिमिलर लग रहे हैं दोनों। ऐसा बिस्किट खाया हुआ है मैंने। ये बिस्किट पता है कैसा सा है? पोटैटो बिस्किट आता है उसके जैसा टेस्ट है इसका। यार बिंगो जैसा ही तो है यार, स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं है। हमारे बिंगो में स्पाइसी नहीं लिखा हुआ, इससे ज्यादा स्पाइसी है। इन्होंने लिखा है स्वीट चिल्ली, ऐसे मिर्चे तो ऐसे बनाई है जैसे कि बहुत ही ज्यादा धुआं लेके आ जाएगा। ये ज्यादा स्पाइसी है, ये ज्यादा स्पाइसी है, जिस पे लिखा भी नहीं है स्पाइसी, इस पे सिर्फ मसाला लिखा है। और इनकी एड जैसे आती है मसाला, इन्होंने भी लिखा ऊपर। सीखो जिंदगी में सीखो। मैं बिंगो को नंबर दूंगा यार, उन्होंने ऐसे झूठ तो नहीं बोला। हाँ। चिल्ली थोड़ी है, ये स्पाइसी नहीं है ये। ठीक है, मतलब इससे तो इंडियन आप नमकीन बिस्किट खरीदते वो ज्यादा बेटर है। सच। छोटे छोटे बच्चे करने लगे हैं जिद एक ऐसी चीज की जिसमें से निकलता है टॉय। वाह, उसका नाम है नन अदर देन किंडर जॉय। और ये किंडर जॉय को देख के मैं कुछ पेश करना चाहूंगा, गौर फरमाइए। डोंट जज ए किंडर जॉय बाय इट्स कवर, जज इट बाय इट्स टॉय। ऐसा नहीं लग रहा कि सात समुंदर ये पैदल चल के आई। देखो इसकी हालत देखो जरा, तरस आ रहा है, तरस आ रहा है। तो ये वाली किंडर जॉय पे बार भी लिखा हुआ, और ये भी पिंक एडिशन है इंडिया वाली भी। तो अब ना जरा इसके खिलौने कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा खिलौना किसमें से निकल रहा है, बाहर के बच्चे किस प्रकार के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं और अपने देसी बच्चे किस प्रकार। चलो भाई कौन सा खोले, पहले पहले कनेडा वाला खोलते हैं। चलो भाई ये वाली जो किंडर जॉय है ना, इस पे लिखा हुआ है सरप्राइज, और सच्ची में हम सरप्राइज हो गए इसको देख के। देखो इसका जो ना माल पत्ता, ये चॉकलेट इसकी सारी बाहर आ चुकी है, एक बार टेस्ट करके देखो भाई साहब। इसमें से निकला है ये खिलौना, क्योंकि चॉकलेट पकड़ यार। ओए भाई साहब ये ले, मैनुअल भी दी गई है, पर इधर मैंने गाड़ी की सर्विस करनी है। जब तक देते ये जोड़ रहे हैं ना, इंडियन वाले को भी खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। रिंग है इसमें। मुबारक है, अभी अभी आदित्य की एंगेजमेंट हुई है। मिस्टिकल है नहीं, पर उसने अंगूठी भेज दी है। अंगूठी आई नहीं थी मेरी छोटी उंगली पे भी नहीं आ रही अंगूठी। मुक्ति की आ गई। और भाई साहब इसके अंदर पूरी बार्बी डॉल आई है। इंडिया के खिलौने बैठ रहे हैं। सो गुड। ऐसे ये नीचे का हिस्सा, ये मुझे लग रहा है ऊपर ये साइड पे इसके माइक स्टैंड पड़ा है। ये गया जाएगा इसमें ऐसे। ओ वाओ, इसके साथ और भी कुछ होगा। ये डांस फ्लोर पे खड़ी है, ये मेरा ये माइक पकड़ के खड़ी है ना, ये देख माइक का स्टैंड, माइक। मैनुअल खोल यार, देखो इंडिया के टॉय में मैनुअल की जरूरत पड़ती है। इंडिया का किंडर जॉय जो है ना वो बेटर है, क्योंकि चॉकलेट अपने सेक्शन में है, खिलौना अपने सेक्शन में है, पैकिंग इसकी बेटर है, खिलौना इसका बेटर है। ओवरऑल इंडिया इस चीज में तो जीत गया। मतलब ये रहा कनेडियन
सोय और ये रहा इंडियन आई गेस ये बेटर है। अगला देखते हैं कि क्या चीज का कंपैरिजन होने वाला है। एग्जाम में मैं आज तक पास हुआ हूं करके चीटिंग फ्रॉम चिट। वाह, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कनाडा के फेमस टिम हॉर्टन की टिम बिट्स। और इसका कंपैरिजन हम करने वाले इंडिया के अमेजिंग सबसे ज्यादा फेमस चोको से। देखते हैं ये देखो फोटो में ज्यादा गोल थे, असली में इतने गोल है नहीं। हाँ, छोटे भी है साइज में। वैसे ना बहुत सिमिलर लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन वाले अपने छोटे हैं थोड़े साइज। इंडियन वाले छोटे हैं और ये थोड़ा ज्यादा ग्लेज लग रहे हैं। देखो वैसे तो इस चीज को ना खाया जाता है दूध के साथ, बट हमने कभी भी इनको दूध के साथ नहीं खाया, वैसे ही स्नैक्स की तरह मंच किया है। दोनों ही सेम है। हूबहू थोड़ा सा फर्क है। वो तो ना पानी का डिफरेंस है, वो कनाडा का पानी यूज कर रहे हैं, ये इंडिया का पानी यूज कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। ये थोड़ी ज्यादा क्रंची है, जैसे दांत तोड़ने वाला क्रंची नहीं होता जैसे कट कट कट, ये थोड़े अलग तरीके के क्रंची। ये सॉफ्ट वाले क्रंची, सॉफ्ट वाले क्रंची, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ये इतना महंगा डब्बा लोगे आप, इसे अच्छा चोको ले जाओ। इसमें टिम हॉर्टन का तो कुछ भी नहीं है। टिम हॉर्टन की कॉफी डाल देते तो मजा आता, कॉफी फ्लेवर होता तो मजा आता। जुकाम होने में हर बार मम्मी जबरदस्ती लगाती है नाक पे विक्स। थैंक्स मां। हूबहू इसकी तरह लग रही है। हम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम मिंट लच्छा लेके आ चुके हैं। इसी बात पे एक शायरी सुनाती हूँ। अरे यार फिर से शुरू हो गए। इंडिया में पहनता है हर कोई कच्चा, अब हम ट्राई करेंगे मिंट लच्छा। इसकी जो शक्ल है ना वो दिख रही है पूरी की पूरी नमकीन जैसी। अच्छा, अब इसका नाम इसका हिकरी स्टिक्स क्यों रखा है वो मेरे को समझ भी नहीं आया। उनके नमकीन वर्ड नहीं होता ना इसलिए रखा है। अपनी असली नमकीन आ गई है। हाँ, ये इसका डुप्लीकेट है। देखो शक्ल से ही पता लग रहा है मसाले की कमी है उसमें। चलो भाई दोनों ट्राई करते हैं अभी। पहले अपना कनेडियन। सॉरी गाइस, आई जस्ट वेस्टेड फ्यू डॉलर्स। पता है कितनी की टिकट है कनाडा से इंडिया की? गुड, आई लाइक। ये वैसे वो चिप्स जैसे फ्लेवर है जो कनाडा वाले चिप्स खाए थे। सही बात है भाई, चिप्स है ये तो। बट ये थोड़ा सा विनेगर का फ्लेवर आ रहा है। विनेगर का फ्लेवर आ रहा है। और इसका नाम हिकरी स्टिक्स पता क्यों है? हिकअप किसे बोलते हैं? हिचकी को। तो इसको खा के हिचकियां लग जाती होंगी, इन्होंने नाम ही रख दिया हिकरी स्टिक्स। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। इसमें और चिप्स में कोई फर्क नहीं है। स्टिक्स के मामले में भी इंडिया जीत चुका हुआ है। ये सारे स्नैक्स लेके आई है मेरी मम्मी क्योंकि वो करती है मेरी केयर। और अब हम आपको दिखाएंगे ब्राउनी ऑफ द कंपनी डेयर। ओह क्या बात है। डेयर कंपनी मुझे ना वहाँ की कोई बड़ी कंपनी लगती है क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट हमने इसी कंपनी के ट्राई किए हैं। सही बात है। ये कोई अलग सा ही ब्राउनी है, इसमें लिखा हुआ है बियर पॉ शेप, मतलब देखना है मुझे। वैसे सच्ची तो ऊपर लिखा क्या समझ ही नहीं आया। बियर पॉज पेटल अंग्रेजी में है ना। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक राइस प्लेट ईटिंग नॉट। बियर के पैर का समझ ही नहीं आया था सच। अच्छा दो है। अच्छा दो पैर है। और इसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं इंडिया की दो दो चीजों से। पहली चीज है कैडबरी का चोको बेक आया है। ये ज्यादा पुराना प्रोडक्ट नहीं है, अभी रिसेंटली आया मार्केट में। और एक हम चॉकलेट केक भी ले आए हैं क्योंकि मुझे लगता है केक और ब्राउनी में फर्क क्या होता है। केक थोड़ा सा कम डेंस होता है। पापा जी आपकी सदा ही जय। स्मेल बहुत वियर्ड ही थी। वो जंगल से आई है ना। चलो चीयर्स। सॉफ्ट है, अच्छा है, मजा आता है। मेरा क्या हुआ? एक ना वियर्ड सा टेस्ट है। दवाई जैसा ना। अल्कोहलिक सी है। नहीं साइड कर दो। जैसे वो नहीं होती रम बॉल होती है। हाँ हाँ बस वैसा सही वो है। थोड़ा सा थोड़ा सा। ये वाला ट्राई करते हैं। नहीं। ये भी नहीं स्वाद, ये तो और भी गंदी है। इससे अच्छा तो वही खा लेते, पैर ही खा लेते बालू के। कितना गंदा सा स्वाद है ना। आफ्टर टेस्ट इसका भी नहीं अच्छा। मुझे लग रहा है रसोई में जाकर रोटी ना बना के खानी पड़े। ये तो अच्छा है। ये तो अच्छा है। ये तो आप सबने केक खाए हुए हैं, इंडिया में सबने खाए हुए हैं, ये तो बेस्ट होता है। ये कनाडा के भालू के पैर अच्छे लगे मुझे। बेकार। ओंकार के पास है कुत्ता जो कि आता था इन द एड ऑफ हच। मतलब पग की बातें हो रही है ये। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कनाडा से डायरेक्टली ओल्ड हच। नहीं सॉरी ओल्ड डच। तो ये फ्लेवर है केचप और इतना ज्यादा वियर्ड फ्लेवर है ना। केचप फ्लेवर कौन सा होता है यार। सुंदर सुंदरता। और कंपैरिजन इसका करेंगे अपने इंडियन टोमेटो फ्लेवर के लेज के साथ। बट ये ना थोड़े से अंकल चिप्स वाली कैटेगरी में फॉल करता है टेक्सचर। देखो सुंदर तो वो ओल्ड डच ही है। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तो एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं केचप और टमाटर फ्लेवर में कितना फर्क है। और मैंने ये सुने कि ये बहुत ज्यादा खाया जाता है, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। कनाडा के फेमस चिप्स हैं ये। अच्छी बात है, अच्छे लगते हैं तो हम क्या करें। कोई पीरी पीरी फ्लेवर निकालो, पिज्जा फ्लेवर निकालो, ओरिगैनो निकालो। इसमें एक एंड में भी एक हमक सी रह गई है
जो कि अच्छी नहीं लग रही मुझे। विनेगर का भी इसमें थोड़ा फ्लेवर वगैरह आ रहा है, सॉल्ट वगैरह भी ऊपर डाला हुआ, अच्छा लग रहा है, सुंदर बहुत है मुझे ना, बट मेरे लिए नहीं बने। मुझे पर्सनली टोमेटो वाले चिप्स वैसे भी नहीं अच्छे लगते। हमने खरीदे ही सिर्फ वीडियो के लिए, अब मेरे ख्याल जिंदगी में चार बार ही खरीदे होंगे मैंने ये। इसका भी टेस्ट अलग लग रहा है मुझे तो, बहुत टाइम बाद खाया ना इसलिए। मुझे लग रहा है ये टमाटो टैंगो है, वो नॉर्मल टमाटो तो नहीं होता था यार, कभी खरीदे ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं कि नॉर्मल था ये था क्या था, पर ये कमेंट करके बता देना। पर ये वेरिएशन मतलब केचप और टोमेटो में फर्क है, फर्क है, फर्क है। ये तो दोनों नहीं अच्छे लगे, मैं तो ये कभी नहीं खाऊंगा। ओंकार से लड़ाई होने पे मैं मानती हूं, ओंकार से सबूत फॉल्स। अगली चीज हम ट्राई करने लगे कनाडा की एक्स्ट्रा हॉट सॉस। क्या बात है, पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, इवन दो मेरे पास ठोस सबूत होए भी, हारता मैं इस लड़ाई में हूँ, क्योंकि लड़कियों से कोई जीत नहीं सकता लड़ाई में। कंपैरिजन में हम लेके आए हैं अपनी हॉट एंड स्वीट वाली सॉस। देख सुन के देख, ओहो ऐसा लग रहा है लाल मिर्चों का घोटा बना के डाल दिया। ओ भाई टबैस्को फेल कर दिया, टबैस्को फेल, टबैस्को का फ्लेवर अच्छा नहीं होता, स्पाइसी होती है, बट ये सुनो, आए हाय हाय इसका फ्यूम बना लो यार। ये अब एक बार टेस्ट करके देखनी बनती है, अच्छी लग रही है मुझे, ये सच्ची अच्छी लग रही है मुझे। कैनेडियन नैचोस भी ले आए हैं, देखो कनाडा से इतनी दूर से नैचोस बेचारे इतनी मेहनत करके उड़ के आए हैं, तो इसके साथ हम ये वाली सॉस ट्राई करेंगे और बताएंगे कैसी है। ढक्कन यूजफुल है इसका, थोड़ा चौड़ा है ना, दिमाग लगाया मैंने। तुम कब आए? देखो पहले मैं हाथ से खा के देखती हूं, ओहो स्पाइसी है, काफी स्पाइसी। ये स्पाइसी है, चिप्स इनसे स्पाइसी नहीं बने, बट अगर मुझे कोई ये देना मैं ये सच्ची खा लूं, दिस इज स्पाइसी और बहुत टेस्टी, और ऐसा नहीं लग रहा नकली टमाटर है या फिर नकली मिर्चे के साथ, कितनी सही लग रही है, असली मिर्चे लग रही है ये, दिस इज गुड। ये तो देखो टमाटर के साथ मिक्सचर वाली स्पाइसी है, अच्छी ये भी बहुत लगती है, ये ब्रेड पकौड़ों के साथ, पर ये उसके सामने स्पाइसी नहीं लग रही, खट्टी है ये, खट्टी और बहुत टैंगी सी है। अपनी हॉट एंड स्वीट जो है वो फेल हो चुकी है उसके सामने, दिस इज गुड स्पाइस के लेवल में। इस चीज पे ना करो कंट्रोल तो बढ़ता रहेगा आपका थोड़ा थोड़ा वेट, और चीज का नाम है हॉट चॉकलेट। ऐसी वैसी चॉकलेट दी है हॉट वाली, ये टिम हॉर्टन्स की, और हमने अपने बचपन में हॉट चॉकलेट के नाम पे सिर्फ बॉर्नविटा वाला दूध ही पिया है। कितना मजा आएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नविटा पियेंगे। खुशबू अलग है, इसको दूध में डालेंगे, गर्म दूध में, और देखेंगे कि टिम हॉर्टन की हॉट चॉकलेट ज्यादा बढ़िया है कि हमारा ओल्ड एंड बेस्ट बॉर्नविटा। बॉर्नविटा में ना आप हाथ पे लेके फिर देखते हैं कौन सा बेटर लग रहा है। कितना कितना पता नहीं, बॉर्नविटा तो कम ही डालना बस, आई गेस बहुत है यार, मुझे लग रहा है ये वाला पूरा पैकेट डलेगा। टिम हॉर्टन्स का ये जो एक पैकेट है ना, ये पूरा का पूरा डलेगा एक कप दूध में। ये तो हो गई भाई, अपनी टिम हॉर्टन वाली तो बन गई है। वाह क्या बात, बोलूं बॉर्नविटा की शक्ल ऐसी लग रही है जैसे मैंने हाथ में चाय पकड़ी है, और ये लग रहा है कि चॉकलेट पकड़ी है, हॉट चॉकलेट लग रही है, क्योंकि कितने टाइम से मैंने बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पिया भाई साहब। वाह बेचारी, ये बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा स्वाद है, सच्ची में सच्ची में। हर्शेस का पाउडर आता है हॉट चॉकलेट का, उससे भी बहुत ज्यादा स्वाद है, थिकनेस मतलब ऐसा लग रहा है कि हॉट चॉकलेट पी रहे हो, ये भी बहुत स्वाद है। बॉर्नविटा तो सबने पिया ही हुआ है, अच्छा होता है। मुझे ये लग रहा था बॉर्नविटा जीतेगा, आपको जुकाम वुकाम हो रखा है, सर्दियों का टाइम है ना, तो जी ये तो कह डाल देगा। ये पीने के बाद मुझे पता लग रहा है कि टिम हॉर्टन्स इतना ज्यादा फेमस क्यों है, एंड गल बात करती हुई इसमें, ये बहुत स्वाद है, बहुत बढ़िया। पंजाब में जिसके बिना है हमारा खाना अधूरा, वाह वो है देसी घी। और इसका कंपैरिजन हम करेंगे एल्पेनलीबे, ये भी अपने देश की तरह दिखाना कुछ अंदर से कुछ, इधर फोटो देखोगे आप और असलियत में अलग ही निकलेगी। पर एल्पेनलीबे मुझे वन ऑफ माय फेवरेट टॉफीज है, तो आज फोटो पे देखते आ रहे हैं, इसके सिर्फ नाम में टॉफी है, असलियत में ये टॉफी है ही नहीं। मुझे लगा बिल्कुल टॉफी जैसी होगी, रैपर के अंदर होगी, वो खाएंगे। वाह पहली बार हम इस तरीके की टॉफी खाने वाले हैं भाई साहब, ये ना बिल्कुल ही स्पेसशिप जैसी है दिखने में, अगर इसको उल्टा कर दो तो ऐसा लगेगा उड़न दस्तरी उड़ रही है। और ये निकलने का बड़ा क्यूट तरीका है, ऐसे तू एक बार चीयर्स करते हैं और खाते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना। यस अंडर ड्राई फ्रूट भी था, हेजलनट, हेजलनट है। देखो ये कनाडा की फेरेरो रोशर है, सिमिलर टू फेरेरो रोशर, इसमें कैरमल के साथ क्रंच नहीं है, ये सॉफ्ट है बट स्वाद बहुत ज्यादा है, कंपेयर है नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, ये वो बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, और ये काफी टेस्टी है। आजकल ना ये इंडिया की काफी शॉप्स में भी मिल रही है, सुपर स्टोर्स पे, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो किसी लड़की को डेट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके पास
पास होनी चॉकलेट। और आज हम ट्राई करने जा रहे हैं ये कैनेडियन चॉकलेट, जिनका टेस्ट पता नहीं कैसा है, और हम इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करने वाले, क्योंकि चॉकलेट तो चॉकलेट ही होती है। आगे देखते हैं, किटकैट खा के देखते हैं कि इंडिया वाली है या थोड़ी सी अलग है। अलग नहीं, अलग है, अलग है, अलग है। कॉफी का मतलब चॉकलेट का फ्लेवर अलग है, थोड़ा सा फ्लेवर अलग है, थोड़ा सा अलग है। एक यहाँ पे मिलती है कनाडा में कॉफी क्रिस्प, ये है छोटी सी हमारी कॉफी क्रिस्प। बाहर से दिखने में 5 स्टार जैसी है, बट अंदर से क्रिस्पी है, अंदर से मंच जैसी है। अच्छा, कॉफी का फ्लेवर आया, आया है, बहुत ही लाइट कॉफी है। ये ना जैसे वेफर होता है, एग्जैक्टली वेफर ही है, उसके बाहर चॉकलेट की लेयर है, पर कॉफी का फ्लेवर मुझे बहुत कम आया। इसको मैं कंपेयर करूंगा मांचिया पर्व के साथ, डिट्टो वैसी है यार, थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत बहुत मिनिमल सा। एक मेन चॉकलेट जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो है एरो, इसके अंदर हवा डाल के दी हुई है, पिघल गई है। अच्छा, देखो रखी तो हमने फ्रिज में हुई थी, बट थोड़ी देर यहाँ पकड़ पड़े पड़े ही पिघल चुकी है, सारी हवा निकल चुकी है इसकी। वो जो सिल्क की बबली नहीं आती है उस टाइप का कॉन्सेप्ट, ये आप बाहर से ना मंगाए क्योंकि आते आते पिघल जाएगी और सारी हवा जो है ना, जो इसका मेन कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगी। ये भी नॉर्मल चॉकलेट जैसी है, कुछ स्पेशल अलग चॉकलेट डेयरी मिल्क जैसा टेस्ट है। हाँ। और इसी डब्बे में अपनी आखिरी चीज जो है हमने ट्राई करी वो है स्मार्टीज। कैडबरी की आती है जेम्स और नेस्ले की आती है स्मार्टीज। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। हाँ भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। भाई सब कोई पैकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट अंदर से निकल रही है, कुछ नहीं फर्क होगा। कलर थोड़े पेस्टल है इसका, पेस्टल पिंक, पेस्टल पर्पल, वो ग्रीन कलर भी तो सुंदर है, एकदम पेस्टल, बिल्कुल जेम्स, जेम्सी है, नेस्ले का वर्जन। हाँ मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क हो सकता है, बट कोई फर्क आपको पता नहीं लगेगा ना है कोई। तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी चॉकलेट हमने खाई है कनाडा वाली, वो सिमिलर टू जो यहाँ पे मिलती है उसके थोड़ी बहुत सिमिलर ही है। थोड़ी देर पहले हम खा के हटे हैं एक अजीब सी टॉफी। अब बारी आ गई है खाने की, टिम हॉर्टन्स की कॉफी पीने की। इसका कंपैरिजन करेंगे हम अपनी इंडियन कॉन्टिनेंटल की कॉफी के साथ। टिम हॉर्टन की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, अपने पंजाब में तो कुछ ज्यादा ही फेमस है। टिम हॉर्टन की जो कॉफी वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, और जो हमारी कॉन्टिनेंटल है वाह वो है, ओ, पता है सेम ही दिख रही है यार। कॉन्टिनेंटल की मैंने ये पहले भी ट्राई करी हुई है। तू कर क्या रही है? मुझे सारी ब्लैक कॉफी एक जैसी लगती है, मुझे दूध में डाल के दोगे तब मैं बता पाऊंगी क्या डिफरेंस। मुझे फर्क पता लगता है, फर्क है, ये ज्यादा बेटर टेस्ट कर रही है। दूध में बंदा बता सकते हैं कॉफी का डिफरेंस, उसका कॉफी का जो है ना ब्लेंड उसका अच्छा है, और उसको पीने के बाद ये कॉफी लगी नहीं। और आज की जो वीडियो है ना वो यहीं पे करते हैं खत्म। एंड का नतीजा ये निकला कि कनाडा की टिम हॉर्टन की कॉफी हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी है। और अब टाटा बाय बाय, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, yes. वीडियो को लाइक कर देना, रीति रिवाज पूरे कर देना। And that's it, guys. अगर आपने कैनेडियन स्नैक्स नहीं ट्राई किए, इंडियन में से फेवरेट कौन सा यही बता देना। हाँ कमेंट कर देना यार। Bye.